और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा, इस बीच रवाना होते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण हल पर विचार साझा करेंगे पीएम मोदी ने, इस मौके पर यह कुछ खास बातें भी कही हैं। और क्योंकि देखिए पोलैंड के साथ यूक्रेन पहुंचेंगे पीएम मोदी, बतौर मित्र शांति स्थिरता की उम्मीद हम करते हैं। तो ये तस्वीरें रवानगी के दौरान की तस्वीरें, पीएम मोदी के रवाना होते तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा, पोलैंड टू यूक्रेन, पीएम एक बार फिर से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं, पहले पोलैंड जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा रहने वाला है। तो देखिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और क्योंकि कई दफा आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जैसा मुल्क भी ये बात कह चुका है कि इस मामले में भारत को आगे आना चाहिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी की हैं। पहले पोलैंड प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और उसके बाद में पीएम जाएंगे यूक्रेन। और यहां पर देखिए अगर बात करें यूक्रेन की तो देखिए पहले पहले जरा कार्यक्रम देख लीजिए। रात के 8 बजे नवानगर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, 8:30 बजे मॉन्टे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, रात के 11:30 बजे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का पोलैंड दौरा, आज के कार्यक्रमों का जिक्र अभी हम स्क्रीन पर कर रहे हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं। नवानगर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पहले और उसके बाद में पीएम मोदी मॉन्टे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं और उसके बाद 11:30 बजे जो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम है उसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। और अब रवाना हो चुके हैं, पोलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज पोलैंड जा रहे हैं पीएम मोदी और वहां से यूक्रेन भी वो जाने वाले हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव पहले इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि ये पीएम मोदी का काफी महत्वपूर्ण दौरा है। पहले पोलैंड रवाना हो रहे हैं और 45 सालों में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड का दौरा कर रहा है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई पोलैंड गए हैं और उसके बाद अब 45 सालों बाद मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड जा रहे हैं और इसके बाद युद्धग्रस्त यूक्रेन जाएंगे। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन जा रहा है। पोलैंड के वॉर्सो में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाएंगे। पीएम मोदी कीव में राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, निवेश, शिक्षा, सांस्कृतिक, जनसंपर्क, मानवीय सहायता और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी यूक्रेन में भारतीय समुदाय के छात्रों और अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन पोलैंड की क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि फिलहाल पोलैंड के लिए रवाना हुए हैं पीएम मोदी। तो यहां देखिए 45 सालों में पहली बार किसी पीएम का ये पोलैंड दौरा है। 45 सालों में ये पहला मौका जब कोई पीएम पोलैंड का दौरा कर रहे हैं और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के भी 70 साल पूरे हो रहे हैं। भारत पोलैंड संबंधों को मजबूती मिलेगी, इससे ये उम्मीद है। देखिए यहां पर जो जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा, उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के बीच एक अनोखा संबंध 1940 के दशक के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय से है, जब पोलैंड की 6000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों ने भारत की 2 रियासतों जामनगर और कोल्हापुर में शरण ली थी। और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच के संबंधों को और मजबूती मिलने वाली है। इससे पहले पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया जहां उन्हें रूस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब बड़ी बात यह है कि देखिए अब एक तरफ पोलैंड, दूसरी तरफ यूक्रेन पीएम मोदी जाएंगे और सबसे खास बात यह है कि अभी 1 महीना पूरा हो रहा है रूस के बाद में, तो इस लिहाज से पीएम मोदी का वहां जाना बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में लगभग 2.5 साल से गतिरोध लगातार जारी है और पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने को जोड़ा जा रहा है शांति से कि अब दोनों देशों के बीच में शांति कायम हो सकती है और ये प्रयास सफल हो सकता है। और उसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट में भी किया है। पोलैंड की यह यात्रा एक विशेष समय पर हो रही है, हमारे राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए किया है।